चैनल केरल लेटर। आज हम आपके लिए लेकर आएंगे एक शॉर्ट स्टोरी जो बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल तो हैव का यूज करेंगे और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सीमा ने हाल ही में अपना पहला उपन्यास पूरा किया है। देखिए सेंटेंस का एंड देखिए, किया है, आ की साउंड आ रही है और उसके बाद आता है, तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसका हमारा सब्जेक्ट क्या है, सीमा, वो क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे हैज एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा सब्जेक्ट है सीमा, सीमा ने, सीमा के साथ लगाएंगे हम हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है हमारी पूरा करना यानी कंप्लीट और थर्ड फॉर्म हो जाती है कंप्लीटेड। इस सेंटेंस में एक वर्ड और आ रहा है हाल ही में यानी रिसेंटली, पहले हम रिसेंटली को यूज करेंगे, रिसेंटली। ठीक है, अब लगाएंगे हम वर्ब कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीट, कंप्लीटेड। सीमा है रिसेंटली कंप्लीटेड अपना पहला उपन्यास, हर फर्स्ट नोवेल। तो सीमा ने हाल ही में अपना पहला उपन्यास पूरा किया है। सीमा है रिसेंटली कंप्लीटेड हर फर्स्ट नोवेल। नेक्स्ट वन इज, उसने इस किताब पर 2 साल से अधिक समय तक मेहनत की है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस का एंड देखिए, की है, ई की साउंड आती है और उसके बाद आता है, तो ये भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर उसने, उसने किसके लिए आया है, सीमा ने, जो कि एक सिंगुलर पर्सन है। तो उसने, शी हैज मेहनत की है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्क हार्ड, इस किताब पर, ऑन दिस बुक, 2 साल से अधिक समय तक, फॉर ओवर टू इयर्स। तो शी हैज वर्क हार्ड ऑन दिस बुक फॉर ओवर टू इयर्स। उसके उपन्यास को अब तक बहुत अच्छी समीक्षाएं मिली है। देखिए सेंटेंस का एंड देखिए, मिली है, ई और है। ठीक है, तो ये भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट। उसके उपन्यास को यानी हर नोवल, हर नोवल सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, तो हमें लगाना हैज, मिली है यानी रिसीव और थर्ड फॉर्म हो जाती है रिसीव, बहुत अच्छी समीक्षाएं, समीक्षाएं का मतलब रिव्यूज, बहुत अच्छी, वेरी गुड रिव्यूज, अब तक, टिल नाउ भी कह सकते हैं और सो फार भी कह सकते हैं, हम यहाँ पर सो फार का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं हम, हर नोवल हैज रिसीव्ड वेरी गुड रिव्यूज सो फार, और ऐसा भी कह सकते हैं हर नोवल हैज रिसीव्ड वेरी गुड रिव्यूज टिल नाउ। कई पाठकों ने उसकी कहानी की प्रशंसा की है और वे उसकी अगली किताब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए लंबा सेंटेंस है और 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है, कई पाठकों ने उसकी कहानी की प्रशंसा की है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट में क्योंकि की है आ रहा है। और दूसरा है कि वे उसकी अगली किताब का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर आता है रहे हैं, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, कई पाठकों ने उसकी कहानी की प्रशंसा की है, पहले इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कई पाठकों ने, मैनी रीडर्स, अब ये सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो हम लगाएंगे इसके साथ है, प्रशंसा करना यानी प्रेस, और थर्ड फॉर्म हो जाती है प्रेस्ड, उसकी कहानी हर स्टोरी, कई पाठकों ने उसकी कहानी की प्रशंसा की है, मैनी रीडर्स हैव प्रेस्ड हर स्टोरी, और एंड, वे उसकी अगली किताब का इंतजार कर रहे हैं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यानी इज एम आर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वे यानी कि दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, हम लगाएंगे आर, इंतजार करना वेट, और इसमें लगाया हमने आईएनजी, तो हो गया ये दे आर वेटिंग, उसकी अगली किताब हर नेक्स्ट बुक, मैनी रीडर्स हैव प्रेज्ड हर स्टोरी एंड दे आर वेटिंग हर, सॉरी वेटिंग फॉर,
हर नेक्स्ट बुक, दे आर वेटिंग फॉर हर नेक्स्ट बुक। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और दोस्तों को दिया है जिन्होंने हमेशा उसका समर्थन किया है। अब सेंटेंस को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ आया है दिया है और लास्ट में आया है किया है, तो दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही वर्ब कैसे हो जाती है हमारी? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और दोस्तों को दिया है। उसने यानी कि सीमा ने, शी हैज, देखिए सफलता का श्रेय देना, श्रेय देना यानी एट्रीब्यूट, एंड थर्ड फॉर्म हो जाती है एट्रीब्यूटेड। सी शी हैज एट्रीब्यूटेड अपनी सफलता, हर सक्सेस, ठीक है, किसको दिया है? अपने परिवार और दोस्तों को। टू हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये हो गया शी हैज एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस टू हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिन्होंने, ये कंजम्पशन है किसके लिए आया है? फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, यानी कि हु। और ये हमारे हु किसके लिए आया है? फैमिली एंड फ्रेंड जो है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो हु अब प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम? हैव, और वर्ड आ रहा है हमेशा, तो हु हैव ऑलवेज। समर्थन करना, सपोर्ट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी सपोर्टेड, क्योंकि हमने हैव का यूज किया है तो वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सपोर्टेड। हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड हर, शी हैज एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस टू हर फैमिली एंड फ्रेंड हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड हर। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी जो थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई थिंक आपको ये टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।